पिंडलियां और पैर के पीछे की नसों को खींचने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको पहले बताए, इसका फायदा पहले जान लीजिए। घुटना दर्द जिनको है वो अगर पीछे की नसों को नरम रखेगा उसको घुटने में कम से कम 40 से 50% लाभ मिलेगा। दूसरी बात, पेट की गैस जो है वो इस नसों को नरम रखने से पेट की गैस में बहुत फायदा होता है, आते अंदर की ओर खींचती है, आपको आनंद मिलेगा। करने का तरीका और बता दूं, दोनों पैरों को मिलाइए, चेयर का सहारा लीजिए, हाथ आगे पकड़िए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर बॉडी को लेकर आइए। पैर एकदम सीधे रहेंगे, घुटना अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा, कमर सीधी रहेगी, हाथ आगे रहेगा। अगर ये अभ्यास आपने 3 से 4 मिनट, बहुत ज्यादा है शुरू शुरू में, आप पहले आधा मिनट से शुरू करें, फिर अभ्यास बढ़े तो 3 से 4 मिनट तक जाएं। यहां पर हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं और श्वास भरते हुए वापिस आना है। ये अभ्यास नियमित रूप से करेंगे, आपकी ये पिंडलियों की नसें तुरंत नरम होगी। एक बार करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कितना आनंद आपको इसका मिला है। अगर एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ऐसी समस्या हमारे भोजन के बाद होती है तो एक बार लंच का टाइम आप चेक करें। अगर 12 बजे के बाद यानी 2-3 बजे तक जो व्यक्ति लंच करता है उसके एसिड बनना लाजमी है, और ये धीरे 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 10 साल 20 साल अगर आपने ये रूटीन अपने रसोई का कर दिया तो ये मान के चले कि आप घर में एक नई बीमारी पैदा कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और आगे जो हार्ट से संबंधित समस्याओं की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि आप उस समय भोजन करें जिस समय पेट की मंदाग्नि हो रही है, कोई आंच नहीं जली हुई तो वो भोजन सड़ेगा। गलत समय पे चूल्हे में अगर आप चंदन की लकड़ियां भी जलाएंगे तो देगी वो धुआं ही। तो अगर गलत समय में भोजन करेंगे तो शरीर में ये व्याधियां आएंगी। भले ही आप अच्छे से अच्छा और दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन करते हो तो शरीर का ध्यान रखें कि गलत समय पे किया हुआ लंच हमें नई नई बीमारियों की ओर ले जा रहा है। घर का, रसोई का ताला 12 बजे बंद कर दीजिए, उससे पहले ही लंच कीजिए। कंधा, हाथों की नस, ये नस और ये यहां से जो पीछे जाती है हाथों तक, अंगुलियों तक ये खींची हुई रहती है, आजकल बहुत बड़ी समस्या है ये। छोटा सा उपाय है, श्वासों को भरते हुए हाथों को आगे ऐसे ग्रिप करें और आगे की ओर खींचे। अब ये खींचने से क्या होगा, देखिए आगे की जितनी भी नसें हैं ये सारी की सारी तनेंगी इससे। अब इसको और ज्यादा तानना है, कैसे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं, और देखना भी ऊपर की ओर ही है, ऊपर देखते जाएं, पूरे कंधे की नसें एक बार करके देखिए, करके देखते ही आपको लगेगा कि स्टिफनेस कंधे की कितनी है, और धीरे धीरे ये निकलती भी जाएगी। श्वास छोड़ते हुए आगे आगे की ओर तान के रखें, पीछे शोल्डर ब्लेड तक खींचेगी। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ऑफिस में भी कर सकते हैं वैसे, सुबह खाली पेट और शाम को भोजन करने से पहले करें। दिन में भी अगर आपको थकान लगे और ये लगे कि कंधा आगे हो रहा है, नस दर्द कर रही है, तो आप ऑफिस में भी 3 बार कम से कम इसको करें, श्वासों के साथ आनंद आएगा।